ओके ओके थैंक यू थैंक यू। आज का ये दिन कितना प्रिविलेज मोमेंट है आपके लिए? पर एक सेकंड ना मैं कर लूँ। कितना प्रिविलेज मोमेंट है आपके लिए? आपका बर्थडे है प्लस आपकी फिल्म का ट्रेलर लॉन्च है, क्या कहना चाहेंगे आप? वन सेकंड, मेरा मास्क अटक गया। बाप रे, कल आप हमेशा नहीं, हमारी फिल्म बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, बहुत छोटी है, तो हम लोगों ने सो स्वीट ऑफ यू, थैंक यू सो मच। नहीं, सलमान खान जी सिर्फ बड़ी फिल्मों को ही प्रमोट करते हैं, आई डोंट थिंक सो कि वो छोटी फिल्मों को प्रमोट करेंगे। बट ठीक है, 1000 थिएटर मिले हैं, वो भी काफ़ी है छोटे फिल्म के लिए। और ऐसा नहीं है, सलमान जी को अगर मैं कहूँगी तो भी वो ज़रूर बुलाएंगे। बट इस बार मुझे बिग बॉस में जाना था, बट माय मॉम वाज नॉट वेल, तो मुझे थोड़ा बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, शी वाज इन द हॉस्पिटल, सो मैं नहीं जा पाई। हाँ, शी इज़ फाइन, शी इज़ फाइन, द ग्रॉस गॉड ऑफ ग्रेस, शी इज़ टोटली फाइन। एंड अभी हालात बहुत ज़्यादा बुरे हैं कि कब कौन कहाँ कैसे बीमार हो जाए, कुछ पता नहीं है। एंड मुझे बहुत दुख हो रहा है ये कहते हुए कि एक कोरोना चला गया था, फिर से दिवाली के बाद आ गया, क्योंकि लोगों ने इसे सीरियस नहीं लिया, नहीं लिया बिल्कुल, फेस मास्क नहीं लगाए ये लोग एकदम। सब लोग दिल्ली में हो या कहीं पे भी हो, मुंबई में हो, सब लोग रोड पे कहीं पे भी थूकते हैं और मास्क नहीं लगाते। इनको लगता मुझे नहीं होगा कोरोना, क्यों भाई, कोरोना तुम्हारा चाचा है क्या जो तुम्हें नहीं होगा? ऐसा मत करो, अमीर हो या गरीब हो, कोरोना हर किसी को हो सकता है। एंड सिर्फ मेरे अकेली के पास ही कोरोना का वैक्सीन है और किसी के पास नहीं है। ओके, राकेश सावंत जी के बारे में क्या कहना चाहिए, आपके भाई है ना? भाई है भाई। हाँ हाँ भाई, मेरा भाई है, भाई जैसे नहीं है, वो मेरा भाई है। और ऐसी हालत में मैं तो कहीं पार्टी में नहीं जा रही थी या कहीं कुछ नहीं कर रही थी, बट उन्हें फ़िल्म रिलीज़ करनी थी, नसीब से उनको अभी कोई बड़ी फिल्म रिलीज़ नहीं हो रही है, तो हमारी छोटी फिल्म को थिएटर मिल गए। अगर कोई बड़ी फिल्म रिलीज़ होती तो शायद हम लोगों को थिएटर नहीं मिलते, तो ये मौके पे हमने चौका मारा है, चौका छक्का मारा है। तो भले ऐसे हालात में ही से जब लोग रोड पर घूम रहे हैं, यहाँ वहाँ जा रहे हैं, तो क्यों ना हम फिल्म रिलीज़ करें। डेफिनेटली, देखिए फिल्म का तो कोई पता नहीं है कि कब कब कौन सी फिल्म चल जाए, यहाँ पे छोटी फिल्म भी चल सकती है और लाखों करोड़ों की बड़ी बड़ी मिलियंस की फिल्म भी नहीं चल सकती है, यू नेवर नो। बट आई थिंक लोग फिल्म देखेंगे, इट्स एंटरटेनमेंट, एक्चुअली कोई भी फिल्म होती है वो एंटरटेनमेंट ही होती है। मैंने पहले ही कहा कि हमारे अजय जी हैं, उन्होंने कहा है कि कोई भी एक बंदा इस फिल्म को थिएटर में अकेले बैठ के देखेगा, बिकॉज इट्स अ हॉरर का बाप, उसे 1,00,000 रुपये का इनाम मिलेगा। हमारे अजय जी जो है उन्होंने कहा है। राकेश आ जाए ना, तो मैम आपके बारे में काफ़ी तारीफ कर रही थी। किसी के खिलाफ किसी का षड्यंत्र है या ड्रग व्रग को लेकर, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्यों किसी मंत्री का बेटा नहीं पकड़ा जाता, बहुत गलत बात है ये। नहीं बोला फिल्म इंडस्ट्री के खिलाफ, हाँ नहीं मैं शिवा को लेकर आना। कौन? समीर को। अच्छा भाई, मेरे को तो नहीं पकड़ेंगे, मैं तो कभी नहीं करती बाबा, मैं तो। हाय, हाउ आर यू? भाई मैं तो कभी नहीं करती, भाई मैं तो कभी नहीं करती। हाँ छोड़ना, ये बात ही मत कर। मैं तो प्रमोट करने जाएगी आपकी फिल्म को सलमान सर के लिए, फिल्म में आपके आए, इतना बड़ा सॉन्ग है आपका, तो सलमान सर के घर पे आप जाके प्रमोट करेंगे? भाई क्या है, देखो ये डायरेक्टर के हाथ में है, प्रोड्यूसर डायरेक्टर के हाथ में, अभी वो जैसा प्रमोट करेंगे उस पर वो वैसा है। सलमान भाई तो मेरी हर चीज़ प्रमोट कर ही देते हैं, आप देखते ही हो। हाँ पता नहीं, वो राज को मालूम। हाँ एक मिनट, एक मिनट। एजाज से और कोई क्वेश्चंस, और नुपुर से और कोई क्वेश्चंस? सोलो एनी क्वेश्चंस फॉर नुपुर एंड एजाज? थैंक यू। नहीं, हमारी ट्यूनिंग अच्छी है भाई। देखो क्या है भाई, के क्रांतिकारी बनने में नुकसान बड़े है। अभी क्या है, मैं और राखी बिंदास बोलते हैं, धीरे धीरे अब हमारे फैन भी बन गए,
बैठे देखो कंगना रानावत ये सब भी हमारे फैंस भी बहुत है, ऐसा नहीं है, बहुत बड़ी फैन है कंगना रानावत हम। अब धीरे धीरे लोग बोलने लगे, लेकिन हम जो बोल रहे हैं वो हम किसी का खा के नहीं खोद रहे, इंडस्ट्री हमारी है, हमको इंडस्ट्री ने बहुत काम दिया, बहुत इज्जत दी है, सेम कंगना को भी दी। लेकिन कंगना क्या कर रही है, सिर्फ वो अच्छी है और पूरा बॉलीवुड की लड़कियां खराब है, पूरा बॉलीवुड खराब है, पूरा बॉलीवुड गटर है, गटर वाली बात नहीं बोलनी चाहिए, गलत। मतलब जिस गटर की आप कीड़ी हो, आप समझ रही हो, आपको थोड़ी इज्जत वहीं मिली, बाकी तो आप वहीं रहती गांव में। एंड आई लव माय मुंबई। देखो भाई, बोला जो सच तो जहर पिलाया गया मुझे, और सच्चाई ने मेरी मुझे बदनाम कर दिया। ज्यादा सच भी अच्छा नहीं है मेरे भाई, पर जो है नाम वाला वही तो बदनाम फिर है। वही तो है कि नहीं, एकदम। जैसे कि मैंने कहा कि बहुत मजा आया, एक परिवार की तरह था पूरा माहौल। और देखिए मेरे हिसाब से कंगना की ये बात इन पर्टिकुलर बहुत गंदी थी कि बॉलीवुड को उसने गटर कहा, ठीक है, बॉम्बे आके उसको दौलत शोहरत इज्जत और नाम पैसे काम सब कुछ मिला, और आज भी वो कर ही रही हैं काम, आज भी जनता उनकी फिल्में पसंद कर ही रही हैं, जो उनकी लास्ट मनी करने का आई थी उसको भी पसंद किया गया। मुझे लगता है कि वो सबको बदनाम करके अपना नाम कैसे कर सकती है, इट्स नॉट गुड। गलत है ये बात, ये जनता को समझ में आना चाहिए, गलत है। और लोगों के नाम लेना, देखिए हम मीडिया में बहुत आ चुके हैं, मीडिया से रोज़ हमारा नाता पाला बनता है, आप मीडिया के सामने किसी लोगों के नाम नहीं ले सकते जब तक ये बात प्रूव नहीं हो सकती। नाम लेना जांच केंद्रों का काम है, CBI का काम है, NCB का काम है, आप अपने हिस्से से लोगों के नाम लेके उनको बदनाम नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है ये गटर वाली बात बहुत गलत थी, जिसका जवाब जया जी ने दिया भी कि जिस बहुत मुँह तोड़ जवाब दिया जाए, जिस थाली में खाते हैं वहीं पर छेद करते हैं, तो ये तो बात सरासर गलत है। बाकी उनके साथ जो भी हुआ, उनका ऑफिस टूटा ये वो, तो अब वो भी गलत था। नहीं, खुद ने क्या किया था इंडस्ट्री में? नहीं, वो इलीगल था, इसलिए टूट गया। उन्होंने भी तो किया था ना, उनका जो ये कमेंट था वो बिल्कुल ही सरासर गलत था। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।